गाइस वन कार्ड ने लॉन्च कर दिया है अपना इंडियन बैंक के साथ मिलकर के एक न्यू रुपए क्रेडिट कार्ड, जिस क्रेडिट कार्ड को आप अपने यूपीआई एप्लीकेशन में लिंक कर पाएंगे और यूपीआई पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में चलिए समझते हैं इस कार्ड के बारे में सारी जानकारी। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती तो एक लाइक जरूर कर देना। गाइस वन कार्ड के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, वन कार्ड एक कंपनी है जो कि पहले से आपके लिए काफी सारी बैंकों के साथ टाई अप करके एक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराती है। और वन कार्ड आपको दोनों प्रकार से मिल जाता है, यहां पर आप फिक्स डिपोजिट करके भी वन कार्ड ले सकते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है या फिर बिल्कुल भी नहीं है तो भी वन कार्ड आपको 5,000 रुपए एफडी करने पर मिल जाता है। लेकिन कुछ लोगों को वन कार्ड की तरफ से बढ़िया लिमिट के साथ एक मेटल कार्ड मिलता है। लेकिन अब तक जो मेटल कार्ड मिलता था आपके लिए वो मिलता था वीजा नेटवर्क पे, लेकिन वन कार्ड की तरफ से अब इंडियन बैंक के साथ टाई अप करके अब एक नया रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। जी हां, अब आप अगर वन कार्ड लेते हैं और आपको अगर इंडियन बैंक से वन कार्ड का कार्ड मिलता है तो वो आपको रुपए नेटवर्क पे दिया जाएगा, जिसको आप अपने किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में लिंक कर सकते हैं और पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यूपीआई का जमाना है और इंडियन बैंक का नाम रुपए क्रेडिट कार्ड की लिस्ट में आता है, यानी कि इंडियन बैंक के क्रेडिट कार्ड को आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में लिंक कर सकते हैं, तो इस कार्ड को भी आप आसानी से लिंक कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं गाइस इस कार्ड के कुछ बेनिफिट की, तो देखो सबसे पहला बेनिफिट यहां पर आपको मिलता है कि अब वन कार्ड एप्लीकेशन में ही आपके लिए बहुत सारे कुछ ब्रांड मिलते हैं, उन ब्रांड के आप डायरेक्टली गिफ्ट कार्ड ले सकते हैं और जो गिफ्ट कार्ड का पैसा आपका कार्ड से कटता है उसको आप डायरेक्टली अपनी ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, गिफ्ट कार्ड तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, तो यहां पर आपको बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आप वन कार्ड से गिफ्ट कार्ड लेते हैं तो आपको गिफ्ट कार्ड परचेज करने पर यहां पर मिलता है 5% 7% या फिर 10% तक का डिस्काउंट। वन कार्ड एप्लीकेशन में काफी सारे ब्रांड के आपको जो है गिफ्ट कार्ड मिल जाते हैं, ये यहां पर आप खरीद सकते हैं और यहां पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको बता दें वन कार्ड में जब आप अपना कुछ भी खर्चा करते हैं तो आपके लिए यहां पर अच्छा खासा रिवार्ड पॉइंट भी देखने को मिल जाता है, और जो भी यहां पर आप रिवार्ड पॉइंट अर्न करते हैं अपने ये अनलिमिटेड टाइम के लिए रहते हैं, यानी कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं और इन्हें आप डायरेक्टली रिडीम करके अपने क्रेडिट कार्ड में ही ले सकते हैं। बाकी वन कार्ड के आजकल आपके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जो डिस्काउंट वगैरह के ऑफर हैं वो देखने को मिलते रहते होंगे, जिसके अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे या फिर आप ऑफलाइन कहीं पे जाते हैं तो वहां पर भी आपके लिए अलग अलग ब्रांडों पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट के ऑफर मिलते रहते होंगे, तो डिस्काउंट या फिर कैशबैक के ऑफर मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं इस कार्ड को अप्लाई करने की, अगर किसी को यह कार्ड चाहिए तो कैसे वो अप्लाई कर सकता है। तो वन कार्ड अप्लाई करने का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप क्लिक करके वन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और वन कार्ड में आपको एक क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जब आप वन कार्ड को अप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए सजेस्ट करेगा, अगर आप इलिजिबल होंगे तो आपके लिए बताएगा कि आपके लिए इंडियन बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड मिल रहा है मेटल में, तो आप उसको ले सकते हैं। अगर आपको एक कार्ड मिलता है वन कार्ड की तरफ से तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, वरना वन कार्ड के आजकल कई सारे बैंकों के साथ पार्टनरशिप है तो आपके लिए वन कार्ड आपकी प्रोफाइल के हिसाब से किसी भी बैंक का कार्ड इशू कर सकता है। अगर आप अनसिक्योर कार्ड के लिए एलिजिबल रहेंगे तो आपको कोई भी एफडी नहीं करनी होगी और आपके लिए अच्छी बढ़िया लिमिट के साथ एक मेटल कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके लिए एक सिक्योर कार्ड मिलता है तो वहां पर आपके लिए 5,000 रुपए की एफडी करनी पड़ेगी, तो आपका अगर सिविल स्कोर बढ़िया है तो आपके लिए कार्ड मिल सकता है डायरेक्टली, लेकिन अगर सिविल स्कोर घटिया होगा या फिर कोई भी इनकम वगैरह नहीं होगी तो आपको यहां पर एफडी करनी पड़ सकती है, तो आप एक बार चेक कर लेना, लिंक डाल दिया हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर हम चार्ज एंड फीस की बात करते हैं तो इंडियन बैंक का जो मेटल रुपए कार्ड आपको मिलता है ये बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, यानी इसका कोई भी आपको ज्वाइनिंग फीस नहीं देना है और कोई भी आपको इसका एनुअल फीस नहीं देना है। लेकिन इस कार्ड को खो मत देना, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को खो देते हैं और फिर अगर रिप्लेस कराते हैं तो आपको इस कार्ड की रिप्लेस फीस देनी पड़ती है 3,000 रुपए। तो अगर आपको एक कार्ड मिलता है तो उसको बड़े संभाल के रखना, क्योंकि ये मेटल का कार्ड है, अगर खो गया तो 3,000 रुपए आपको इसका रिप्लेसमेंट फीस देना पड़ेगा। बाकी अगर आपका सिविल स्कोर वगैरह बिल्कुल भी नहीं है और आपको किसी बैंक में क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है तो आप वन कार्ड को आंख बंद करके ले लीजिएगा, एफडी करने के लिए बोलेगा तो 5,000 की एफडी कर दीजिएगा, वहां पर आपको बढ़िया इंटरेस्ट मिलेगा और साथ में आपको जब कार्ड अपना बंद करेंगे उसका पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। कार्ड मिलने के बाद अगर आपने वन कार्ड को इस्तेमाल करते हैं तो यह कार्ड आपका सिविल स्कोर भी इंक्रीज कर देगा, जिससे कि आपको दूसरे बैंकों को क्रेडिट कार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप वन कार्ड में
50,000 रुपए से ऊपर की एफडी करते हैं तो आपके लिए मेटल कार्ड मिलता है, अगर आप 50,000 रुपए से नीचे की एफडी करते हैं तो आपके लिए वन कार्ड वाले प्लस टिक का कार्ड देते हैं। तो आप इस प्रकार से कोई सा भी कार्ड वन कार्ड में ले सकते हैं। आपके लिए वन कार्ड का ये लाइफ टाइम फ्री रुपए मेटल कार्ड कैसा लगा इंडियन बैंक के साथ हमें कमेंट कर देना। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।